चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए बच्चों, बुक टू का चैप्टर नंबर वन, इशू ऑफ शेयर्स। ओवरऑल अगर देखें तो ये चैप्टर एट बनता है, चैप्टर एट बनता है। हेडिंग डालिए, अभी तक बच्चों जो आप सबने पढ़ा या जो आप सभी पढ़ रहे थे, अभी तक आप सभी क्या पढ़ रहे थे, जैसे 11वीं क्लास के अंदर आपने अकाउंटिंग पढ़ी एक प्रोप्राइटर के हिसाब से, कि एक सोल प्रोप्राइटर यानी कि एक सिंगल पर्सन जब बिजनेस को रन कर रहा होता है तो वो अपनी अकाउंटिंग किस हिसाब से करता है। फिर इसके बाद जब आप 12th क्लास में आए तो उसके अंदर आपने स्टार्ट किया बुक वन, दैट इज पार्टनरशिप, अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल में आपके साथ कवरेज था कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं एंड सो ऑन। फिर इसके बाद बुक टू जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, कि कंपनी या कॉरपोरेट्स अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है। इनफैक्ट इसका पूरा डिटेल में और ज़्यादा डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको थ्री में भी आएगी, मतलब बुक टू एंड थ्री आपको कंपनी अकाउंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सिखाएगा। ये पता भी होना ज़रूरी है क्योंकि धीरे धीरे ना आप अगर ऑब्जर्व करेंगे 11वीं 12वीं की अकाउंटिंग, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, आपको फॉर कॉरपोरेट्स कंपनीज वगैरह इन सब के लिए तैयारी करवा रहे हैं धीरे धीरे। मतलब अभी भी इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें जो अभी भी नहीं करवाएंगे, बट धीरे धीरे आपको उसके तरफ लेके जा रहे हैं कि हाँ भाई कंपनीज अपनी किताबें कैसे मेंटेन करती हैं, उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन है। जैसे जब हम यहाँ पे बात करते हैं बुक टू के अंदर पहला चैप्टर क्या आ रहा है, इशू ऑफ शेयर्स, और इसके अंदर दूसरा चैप्टर है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स। दोनों चैप्टर्स, पहले तीसरा चैप्टर भी होता था रिडम्पशन का, अगेन वो डिलीट हो चुका है काफ़ी टाइम से, अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो दो ही चैप्टर हैं आपके, चैप्टर एट चैप्टर नाइन। अगर आपको चैप्टर नंबर एट ढंग से समझ में आ जाता है तो चैप्टर नाइन आराम से पिकअप हो जाएगा। उल्टा करना पॉसिबल नहीं रह पाता क्योंकि नाइन जो है वो रिलेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू एट। एट के अंदर आपकी ज़्यादा डिटेलिंग ऐड होती है कि ऐसा हो जाए सिनेरियो, वैसा हो जाए तो क्या होगा अकाउंटिंग में एंड सो ऑन। तो एट ज़्यादा डिटेल वर्जन है, नाइन्थ वाला जो है एट्थ को करने के बाद आपको ईजी लगेगा, वो करने के लिए एक हफ्ते में भी कंप्लीट हो सकता है, इतना सिंपल हो जाता है अगर प्रोवाइडेड आपको एट्थ ढंग से आता है तो। तो इशू ऑफ शेयर्स की सबसे सिंपल भाषा में हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई ये कंपनी है, वो लोगों को शेयर्स दे रही है और उनसे क्या ले रही है, पैसा। सिंपल लैंग्वेज में यही चीज चल रही है कि कंपनी लोगों को शेयर्स इशू कर रही है और उनसे क्या ले रही है, पैसा ले रही है, ठीक है ना। अब बच्चों इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में लेके जाएं, अगेन इसकी ना काफ़ी थ्योरी है, थ्योरी वगैरह मैं स्लोली एंड स्टेडली कंप्लीट करवाता जाऊंगा, अभी यहाँ पे सुनते चले जाएं। जैसे कंपनी है, मान लीजिए रिसेंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईपीओज आए हैं, बहुत सारे आईपीओज आए हैं। आईपीओ का मतलब क्या होता है, कोई अगर एक्सप्लेन कर पाए तो। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कुछ भी कॉपी नहीं करना, आज ज़्यादा हैवी टॉपिक भी नहीं है, आज ना थोड़ा थ्योरी बेस सेटअप हो रहा होगा, बेसिक सा इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं है, धीरे धीरे उसके अंदर प्रैक्टिकलिटीज ऐड करनी शुरू करेंगे हम। अब जैसे कंपनीज क्या होती हैं, अपने आईपीओ लेकर आती हैं, आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या मतलब होता है इसका सिद्धार्थ, थोड़ा और डिटेल में जाना चाहेंगे। चलो ठीक है, इसको ना ऐसे पिकअप करते हैं, आपने एक पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज के अंदर, या अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे कि एक स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में दो फेमस स्टॉक मार्केट्स हैं, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसको गवर्न करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिना सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की परमिशन के, सेबी के अप्रूवल के, कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकती है। तो सिक्योर इसको मेन पावर मिली थी 1992 के अंदर। इसका कारण था हर्षद मेहता स्कैम। इसकी अगर आपने सीरीज भी देखी हो तो स्कैम ऑफ 92 की रिसेंट में सीरीज बनी है, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में समझाया गया कि स्कैम हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उस टाइम के हिसाब से, और फिर सेबी को बहुत पावर दी गई थी। अगेन वो सीरीज में एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से सारी डेवलपमेंट आई। और कंपनीज को गवर्न करता है कौन? कंपनीज एक्ट 2013। तो दोनों कानून फॉलो करने पड़ते हैं। अब होता क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कोई भी कंपनी है वो कहती है कि हमें ना पैसा चाहिए। रिसेंट में मैं आज देख रहा था, मुझे नहीं आइडिया कि कितने जल्दी कर रहे हैं, फर्स्ट क्राई, अगर आपने इस कंपनी के बारे में सुना हो, बच्चों के लिए है ये, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, ये भी आईपीओ लेकर आने लगे हैं। लास्ट ईयर हुआ था या उससे लास्ट ईयर टाटा ग्रुप ने भी अपना आईपीओ निकाला था, टाटा टेक्नोलॉजीज का, आपको आइडिया हो। काफ़ी साल पहले LIC ने आईपीओ निकाला था, जोमैटो अगर सुना हो, पेटीएम सुना हो, ओला इलेक्ट्रिक, ओला ने निकाला है, अच्छा ओला ने निकाला हुआ, हाँ। तो मतलब आप देख रहे, तो उसके अंदर वो बेसिकली कंपनी करती क्या है, कंपनी यहाँ पे होती है जनता, जनता मतलब आपके और मेरे जैसे लोग। जनता ज़रूरी नहीं है मतलब इंडिविजुअल लोग ही हों जैसे हम सब हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज या बड़े बड़े ऐसे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो बेसिकली ये कंपनी चाहती है कि हम शेयर बेचें, और पब्लिक चाहती है कि हम अपना पैसा कहीं पर लगाएं। इनको पैसा चाहिए प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए, और ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी बैठे हैं। तो स्टॉक मार्केट जैसे एक मार्केट होता है, एक मीडियम बन जाता है जिसके थ्रू शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। तो अब होता क्या है, ये अपना आईपीओ निकालते हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में ना दो तरीके की मार्केट होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट्स। अगेन ऐसा कोई डिस्टिंक्शन आपको कहीं पे दिखेगा नहीं कि बायफर्केशन करा जाए, ये सिर्फ थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइमरी मार्केट का मतलब जब शेयर पहली बारी बेचे जा रहे, जैसे मान लो अगेन किसका, ओला का एग्जांपल दिया, जैसे ओला है वो फर्स्ट टाइम जब शेयर बेचेगा तो वो प्राइमरी मार्केट में जाता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपने देखा होगा लोग दिन भर बैठे रहते हैं कंप्यूटर के आगे, खरीदना बेचना लगा रहता है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। आप समझ पा रहे हैं? तो पहली बारी खरीदना प्राइमरी मार्केट, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको बेच सकते हो इन सेकेंडरी मार्केट्स। थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा है इसका ना, बिजनेस स्टडीज का थोड़ा सा बेस यूज हो रहा है यहाँ पे। अगर फिर भी डाउट लग रहा है तो मुझे बता देना, मैं और डिटेल में लेके जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली कंपनीज करती क्या है, कंपनी को कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, तो कंपनी क्या करेगी, एक आईपीओ निकालेगी, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेगी कि भैया हमें ऐसे ऐसे इतना इतना पैसा चाहिए, इतनी डेट को इतने रुपए का, जैसे सिद्धार्थ ने बताया 75 रुपीज़ का है, इसका एक क्लोजिंग डेट मेंशन होता है कि इस तारीख तक आपको अप्लाई करना है, चिट्ठी डालनी है कि भैया अप्लाई करना है, लिटरली अप्लाई करना है। मतलब पहले तो फिजिकल फॉर्म में होता था, आपको फिजिकल एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, आप समझ पा रहे हैं? तो आप अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा सिर्फ यहाँ पे नहीं है, किसी भी चीज़ के अंदर इसी तरीके से काम चलता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नोएडा के अंदर नोएडा अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स निकालते हैं, प्लॉट समझते हैं ना, जगह निकालते हैं कि भाई ये जगह है जी, जिसको खरीदना है आ जाइए। तो उसके लिए आप अप्लाई करते हो कि हाँ भाई मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ को खरीदने के लिए। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए अप्लाई करते हैं हम। तो यहाँ पे ये पूरा चिट्ठा निकालता है कि आपको, आपसे हमें इतना पैसा चाहिए, इतना इतना रुपये का एक होगा, ये लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, इस दिन हम बताएंगे कि किस किस का शेयर निकल के आ गया, एंड सो ऑन। इसे बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। ये टर्म पहली बारी सुन रहे हैं? नहीं। आप में से अगर कोई भी बंदा बच्चा घर पे पेरेंट्स के साथ कभी गया हो, फ्लैट वगैरह या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, गाड़ी भी खरीदने के लिए गया हो, कोई व्हीकल खरीदने गया हो, तो उसके अंदर वो चिट्ठा पकड़ाते हैं कि भाई इसके अंदर देखो ये चीज़ें हैं,
गाड़ी खरीदने गए हो या कोई व्हीकल खरीदने गए हो, पूरा बताते हैं कि ये व्हीकल के अंदर ये चीज़ है। कोई फ्लैट कभी खरीदने गए हो, पूरा प्रोस्पेक्टस एक पकड़ा देते हैं कि भैया ये चीज़ें हैं, ये फीचर होंगे एंड सो ऑन। समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन होती है, वैसा ही इसके अंदर भी डिटेल मेंशन होती है प्रॉस्पेक्टस में। आप समझ रहे हैं ये चीज़? तो मार्केट में ये निकल के आता है कि भैया ऐसे ऐसे कंपनी है। अब कंपनी का अगर अच्छा नाम होता है तो लोग बिना देखे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये जब जनता के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जनता कहती है कि सब इंटरेस्टेड है। समझ पा रहे हैं ये चीज़? लोग कहते हैं कि भाई मेरे को भी पैसा लगाना है, मेरे को भी पैसा लगाना है, ये करना है, वो करना है एंड सो ऑन। तो लोग अपना पैसा लगाना शुरू करते हैं, बेसिकली ऐसा समझ लो, फिजिकली तो नहीं बट आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिकली आप एक एप्लीकेशन मंजूर करते हो, आप ना अप्लाई करते हो। जैसे एप्लीकेशन का मतलब समझ रहे हैं ना लेमैन में, कि आपको अप्लाई करना है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि ऐसे ऐसे, बस वो अब क्या हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक कर दो, हो गया काम, बात वही हो रही है। और साथ में आप पैसा भी भेजेंगे, चेक लगा के भेजेंगे कि भैया ये लो मेरा चेक, इनिशियल टोकन मनी कह लीजिए या जो भी कंडीशंस के हिसाब से होगा, फिर आप अपने पास ये ले जाइए। तो आप बेसिकली क्या करते हो, अप्लाई करते हो। उन्होंने अपना ऑफर रखा है सबके सामने कि आपको चाहिए तो ले लीजिए, आप फिर अप्लाई करते हो। ये समझ पा रहे हैं? तो ऐसा समझिए कि इन्होंने बक्सा लगा रखा है, इस बक्से में एप्लीकेशन आती जाती है, आती जाती है, भरे जा रही है एप्लीकेशन का ना पॉइंट जा रहा है दिमाग में, ये पूरी कहानी बैठ रही है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये कंपनी उनमें से सिलेक्ट करती है ड्रॉ फ्लॉट बेसिस पे। ड्रॉ फ्लॉट का मतलब क्या हो गया, बेसिकली जैसे नाम निकाल के, ठीक है ना, फिजिकली ऐसे नाम नहीं निकल रहा होता बट अगेन उसका एक सिस्टम होता है, रैंडम बेसिस पे अलॉट किया जाता है। और आपके पास मेल आ जाती है आज के टाइम पे कि भाई आपका शेयर निकल के आ गया है, बाकी बचा हुआ पैसा दे दीजिए। जैसे अगेन पैरेलल ही ना, अगर शेयर मार्केट का एग्जांपल रख रहे हैं तो ये हो गया। पैरेलली आप नोएडा अथॉरिटी का एग्जांपल रखो, नोएडा अथॉरिटी भी इसी तरीके से करता है। कैसे करता है? नोएडा अथॉरिटी है, वो अनाउंसमेंट निकाल देता है। क्या अनाउंसमेंट निकालता है कि भैया ये प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स का मतलब समझ रहे हैं, एरियाज हैं जो हम बेचना चाह रहे हैं। तो लोग जो अवेयर होते हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं, चेक डालते हैं साथ में कि भैया ये लो मेरी एप्लीकेशन। बहुत लोग अप्लाई करते रहते हैं, आप समझ रहे हो। अब जैसे ये रिसेंट में ना इनका वहाँ पे आया था, ये आपको आइडिया हो तो, एक्सप्रेसवे है ना, जेवर एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे, उसके पास में जेवर, यहाँ का प्लॉट्स आए थे। तो लोगों को जब पता लगा, लोगों ने ऐसा अप्लाई किया, अगर एक प्लॉट है उसके बदले में पाँच पाँच छः छः लोग ने अप्लाई कर दिया, मतलब एक प्लॉट के अंदर मैनी टाइम्स अप्लाई हो जाना। ये भी टर्म्स आएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सारे टर्म्स आएंगे धीरे धीरे। बट ऐसे एप्लीकेशन आती हैं, फिर वो बक्से में से निकालते हैं नाम, अच्छा आपका नाम आ गया, आपका नाम आ गया, आपका नाम आ गया, आपका प्लॉट हो गया, आगे के पैसे जमा करवा दो। वैसा ही कुछ स्टॉक मार्केट में भी चल रहा होता है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, उसको इशू करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, आपको उसका लॉ नहीं समझना, उसका अकाउंटिंग समझना है। आ समझ रहे हो? करते वक्त इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो कंपनीज एक्ट 2013 का ध्यान रखना पड़ता है, दूसरा सेबी के नोटिफिकेशंस या गाइडलाइंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, किस किस का, कंपनीज एक्ट 2013 का भी और सेबी के गाइडलाइंस, कोई भी दोनों में से एक चीज़ वायलेट नहीं होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, कंपनीज एक्ट साइलेंट होता है तो सेबी नोटिफिकेशन निकाल देता है, कभी कभार सेबी ने कुछ नहीं बोला तो लॉ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी अकाउंटिंग आपको सिखाई जाएगी। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, इशू ऑफ शेयर्स, कि आप जब शेयर्स इशू कर रहे होते हैं तो आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है उसकी। क्या है, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट्स इसके अंदर, क्लियर है यहाँ तक? जब हम शेयर्स इशू कर रहे होते हैं बच्चों, तो ब्रॉडली अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, लिखना नहीं है, तो आप इसको ऐसे क्लासिफाई करके समझ सकते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश होता है एक, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। मतलब मैं कंपनी हूं, मैंने आपको शेयर इशू करे और आपसे कैश ले लिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है बट उसके बदले में पैसा नहीं ले रही, कोई एसेट्स वगैरह ले रही है। जैसे मेरे को बिल्डिंग खरीदनी है, मैं
मैं बिल्डिंग खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आप ऐसा करो बिल्डिंग के बदले में मेरी कंपनी के शेयर ले लो। आप समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो ऐसा भी होता है। फॉर कैश के अंदर भी दो पार्ट्स आते हैं, इन लमसम इन इंस्टॉलमेंट्स। ज्यादातर आपके पेपर में इंस्टॉलमेंट्स वाला सिनेरियो आएगा कि भाई किश्तों में पैसा आपसे मंगवाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। लमसम वाले के कम चांस हैं, बट अगेन लमसम वाला है भी इजी। तो पहले मैं इंस्टॉलमेंट वाले से शुरू करवाऊंगा कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ। आप ऐसा करिए, इसको बना ही लीजिए, साथ में एग्जाम्पल भी कॉपी करवा देंगे। अगेन इसका ना अभी बहुत थ्योरी है, वो धीरे धीरे आपको समझाना शुरू करेंगे। आराम आराम से समझिएगा, जितना बढ़िया तरीके से आपका बेस या कहानी दिमाग में घुसेगा उतना ही आगे जाके आपको इजी रहेगा, क्योंकि कहानी में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज आती जाएंगी। ध्यान से बच्चों, क्या बात चल रही है कि एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, और ये 1,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं जनता को, 1,000 शेयर इशू करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ, क्या ये सारा पैसा एक ही बारी में मांग रहे हैं, एक साथ मांग रहे हैं, नहीं टुकड़ों में मांग रहे हैं? तो इस वाले केस को हम समझने के लिए, ये इंस्टॉलमेंट का केस है, अभी लिखना कुछ नहीं है, और इशूड एट पार है। एट पार का मतलब 10 रुपये का शेयर ये 10 रुपये में ही देने के लिए रेडी हैं। आगे जाके और भी केस आएंगे, आज ही मैं करवा दूंगा, जहाँ पे प्रीमियम पे भी जाएगा शेयर। तो ये 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पे जा रहा है, तो इसे बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी कि शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये। छोटे छोटे मतलब ये तो समझते हैं ना, ये टर्मिनोलॉजी शेयर्स क्या होता है, या ये भी टर्मिनोलॉजी समझाऊं, इतना समझ में आता है कि कंपनी होती है, ये 11वीं क्लास का BST है, कंपनी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसे शेयर बोलते हैं, इतना तो समझ में आना चाहिए इस लेवल पर। तो इसे फेस वैल्यू बोलते हैं कि भाई 10 रुपये का एक शेयर है। तो अब हो क्या रहा है समझते हैं बच्चों। मुझे बात बताओ, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने बोला जनता को कि हम ना शेयर इशू करना चाह रहे हैं, IPO निकाल रहे हैं। तो फटाफट से, जैसे मान लो ये कौन है, बताओ ये कौन है, मनवीर। तो फटाफट से बताइए, मनवीर ने क्या बोला, फटाफट से अप्लाई कर दो, ये बढ़िया कंपनी है, ठीक है ना? तो मनवीर ने क्या किया होगा, तुरंत ही अप्लाई कर दिया होगा।
हम अकाउंटिंग किसके एंगल से कर रहे हैं, मनवीर के एंगल से या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो इस दिमाग में सेट है। जैसे पार्टनरशिप में फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग चल रही है। कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि भाई मनवीर क्या कर रहे हैं, हमें नहीं लेना देना, हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है, यानी कि इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो कंपनी के पास तुरंत ही तुरंत पैसा आ गया, लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, या फिर इसको मैं समझा देता हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एक मिनट रुकिए, 1000 शेयर्स पे, मान लो अकेले मनवीर ने अप्लाई किया, या 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, मनवीर के जैसे और भी होंगे, जैसे मनवीर ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, ऐसे और भी लोग होंगे जिन्होंने 200 के लिए, 500 के लिए अप्लाई किया होगा। तो 1000 शेयर पे लोगों ने चिट्ठी डिचो डाली, एप्लीकेशन दिया, 4 रुपये के हिसाब से कितना रुपया आ गया कंपनी के पास? 4000 रुपये। 4000 रुपये। तो पहले मैं कंपनी हूं, आप शेयर होल्डर हैं, आपने मुझे पैसा दिया, तो मेरे पास 4000 रुपये आ गए। यहां तक समझ में आया? अब यहां पे ना ये देखिएगा, मैंने लिखा है इक्विटी, बट यहां पे मेंशन करना भूल गया, मान लो ये इक्विटी है। अगर यहां पे ना ये प्रेफरेंस शेयर होते तो यहां पे ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन बन जाता। सिंपल बात है, बैंक मेरे पास पैसा आ गया, टू एप्लीकेशन, एक टेम्पररी अकाउंट मैंने ओपन कर दिया कि भैया एप्लीकेशन का पैसा आके मेरे पास पड़ा हुआ है, लोगों ने अप्लाई कर दिया है, कितने रुपए आ गए मेरे पास? 4000 रुपये आ गए। यहाँ तो कोई डाउट? फिर मैंने क्या किया बच्चों, मेरे पास चिट्ठियाँ आ गई, बहुत सारी चिट्ठियाँ आ रही हैं, मनवीर और उनके दोस्तों ने, अभिजय ने, सिद्धार्थ ने, सबने मिलकर अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मैंने स्टेप क्या बताया था, क्या करूँगा मैं, नाम निकालूंगा ना कि किस किस को शेयर मिला। अल्टीमेटली नोएडा अथॉरिटी ने सबने एप्लीकेशन डाल दी, अब किस किस को प्लॉट मिला उस चीज़ की बात है, तो उसमें से नाम निकाला जाएगा। क्या ये बात जा रही है दिमाग में? तो मैंने नाम निकाला, तो अल्टीमेटली जिस दिन मैंने नाम निकाला, ये वाले हिस्से को मैंने तुरंत ही कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? कैपिटल के अंदर। मैंने तुरंत ही कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सी बात है बच्चों, जब मैं प्रोप्राइटर के एंगल से सोचिएगा, जब मैं बिजनेस में पैसा लेकर आता हूं, तो एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी भी तो वही हो रही है। अगर मैं इन दोनों एंट्री को क्लब कर दूं, तो एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इवेंट्स अलग अलग दिन हो रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो बीच में बस एक गैप पड़ गया। मुझे बताओ, मैंने कंपनी के बिहाफ पे फिर क्या किया? मैंने मनवीर को कॉल किया, मैंने कहा मनवीर मुबारक हो, क्या आपको कंपनी के शेयर अलॉट हो गए हैं, अब बाकी के बचे हुए पैसे भी जमा करवा दो। मनवीर कहता कितने रुपए जमा करवाने हैं? मैंने कहा अभी ना आप 2 रुपये जमा करवा देना अलॉटमेंट के, जैसे आपको अलॉटमेंट हो रहा है तुरंत मुझे 2 रुपये चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो मुझे बताओ, जैसे मैंने मनवीर को फोन किया, क्या मेरे पास तुरंत पैसे आ गए या मेरा पैसा ड्यू हुआ है अभी? क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी पैसा मेरा ड्यू हुआ है या आ गया है पैसा? ड्यू हुआ है। तो पहले दोनों एंट्री का सीक्वेंस अलग होता है, आगे की एंट्री का सीक्वेंस अलग होता है। अब पहले मैंने मनवीर को फोन किया, मैंने क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, ऐसे ऐसे हो गया, आपको मिल गया 4000 रुपये का शेयर मिल गया है, अब आगे के पैसे भिजवा दो। तो मैंने तुरंत ही फोन रखती एंट्री क्या डाली होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपए बच्चों? 1000 शेयर पे 2 रुपए, 2000 रुपए, यानी कि मेरे पास पैसा ड्यू हो गया, मुझे अब इनसे अलॉटमेंट का पैसा लेना है। लिखना नहीं, अपनी जल्दबाजी मत करिए, आराम से चलेगा चैप्टर। 2000 रुपये इनसे लेना है। फिर ये इन्होंने ईमानदारी से पैसा भिजवा दिया, तो जब मेरे पास पैसा आएगा, रिसिप्ट होगा, तब मैं एंट्री क्या डालूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आप समझ रहे हैं बच्चों? 2000 रुपये, 2000 रुपये, ये समझ में आ रहा है? सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, पहले सीक्वेंस क्या था? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल।
अलॉटमेंट और उसके आगे सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। पहले हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल कर रहे हैं, फिर बैंक टू अलॉटमेंट कर रहे हैं। सीक्वेंस समझ रहे हैं? फिर जब कंपनी को जरूरत होती है, कंपनी अगली बारी फिर से फोन लगाएगी। नाम ही देखिए क्या रख दिया है इसका, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल, ऐसी बहुत सारी कॉल्स में डिवाइड किया हो सकता है पैसा। मैंने मनवीर को फोन किया, मैंने कहा मनवीर जरा वो बचे हुए 4 रुपये भी भिजवा दो। क्या ऐसा हो सकता है कि मनवीर मना कर दे भिजवाने से? हो सकता है। तो ऐसे कई सारे केसेस आएंगे, हो सकता है मनवीर दे दें बट सिद्धार्थ मना कर दें, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे आगे जाके कि किसी शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, किसी ने नहीं दिया, तब अकाउंटिंग कैसे करनी है। कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पैसा पहले पकड़ा जाए, तो एडवांस जब आ जाएगा उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ये धीरे धीरे केसेस सारे सीखने हैं हमें। चला एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया हो गया बच्चों, 1000 शेयर पे 4 रुपये, दैट इज 4000। फिर मनवीर ने ये पैसे जब मुझे भिजवा है, तब एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, ये समझ में आया? तो अल्टीमेटली बच्चों जब आप इनकी सारी एंट्री कंबाइन करोगे ना, एंट्री क्या निकलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इतना सा ही एंट्री है, बस उसको सीक्वेंसेस में डिवाइड कर रखा है। आप समझ पा रहे हैं ये चीज? तो यहां पे ये क्या हो गया, डेट ऑफ रिसिप्ट, ये रिसिप्ट वाली डेट हो गई। फिर ये वाली एंट्री कब पास करेंगे बच्चों, डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन उनको अलॉटमेंट किया। ठीक है ना? फिर ये कब होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन पैसा आया। ठीक है ना? फिर ये कब एंट्री होगी, डेट ऑफ फर्स्ट कॉल, जिस दिन मैंने उनको कॉल लगाई। फिर ये कब होगी, डेट ऑफ रिसिप्ट। तो अल्टीमेटली अगर आप इन सब का कॉम्बिनेशन करेंगे, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, इन दोनों की अगर एक एंट्री कर दूं तो बच्चों क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000। इन दोनों की एक एंट्री कर दें तो क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2000। इनकी एंट्री कर दें तो क्या बन जाएगी, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000। सबको कंबाइन कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 10000। तो होना वही है, बस उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसका लॉजिक जा रहा है दिमाग में? हैंस द नेम इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स में इसकी बात चल रही है। गया दिमाग में? ये ऊपर का कॉपी हो गया था हमारा, इसके अंदर जो जो रेड में लिखा हुआ है इसको कॉपी करके प्लीज इसका सोल्यूशन कॉपी करना शुरू करें। क्योंकि जिस दिन मैं आपको अलॉट कर रहा हूं उसी दिन वो पैसा मैं मानूंगा ना कैपिटल में कन्वर्ट हुआ है। बिल्कुल, जिस दिन मैं उसमें से ऐसा मान लो बॉक्स में से नाम निकालूंगा, मैंने कहा अच्छा ये मनवीर, मनवीर के नाम का हो गया शेयर, क्या चीज, आपका मेरे पास पैसा आ गया, वो एक सेपरेट इवेंट हो गया, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। जिस दिन मैं नाम निकालूंगा उसी दिन वो पैसा मेरे पास राइट आएगा कि मैं कैपिटल में कन्वर्ट करूं। तो जिस दिन मैं नाम निकाल रहा हूं उसी दिन अलॉटमेंट हो रहा है ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे नोएडा अथॉरिटी क्या करती है, फिजिकली जब हो रहे होते हैं प्रोसेस, तो यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके अंदर से नाम निकाला, अच्छा मनवीर आपका हो गया, ये लो पकड़ो, अब आप अलॉटमेंट यानी कि अगली किस्त भी जमा करवा देना। बेसिकली दिस इज इंस्टॉलमेंट्स, ये तीन जो है एक किस्तें ही हैं, नाम भी वही है, इंस्टॉलमेंट मेथड, कि आप किस्तें जमा करवा देना। मनवीर पिछला वाला तो हो गया पैसा, अब आप आगे की जमा करवा देना, अब किन्हीं का जिनका नहीं निकला उनको रिफंड कर देंगे। तो ऐसे है,
आप ऐसा करो, साथ में बैठो भी, ध्यान नहीं मुझे, एक बार चेक करना उसमें, उसमें चेक करो आप, साथ में बैठो आप। हो गया, लिखिए। चलो बड़े आगे। अब अच्छा ये वाला क्या हो गया, बस अब फर्क ये है कि पिछले वाले में हमने किश्तों में मंगवाया, ज़्यादातर पेपर में आपको किश्तों वाला ही आएगा क्वेश्चन, बट यहाँ पे हम क्या बात करें, लमसम वाला केस एट पार। ये एट पार का मतलब क्या है, मैं अभी धीरे धीरे पिकअप करवाऊंगा आपको, फिलहाल के लिए लमसम मतलब मंदिर ने अप्लाई करने लगे हैं, तो मैंने कहा भैया अगर अप्लाई करना है तो सारा पैसा एक साथ जमा करवा दो। तो इसके अंदर कितनी एंट्री आती है बच्चों, कुल मिला के सिर्फ दो, लिखना नहीं है प्लीज़ सुनने पर ध्यान दें। मनवीर ने एंट्री मतलब मनवीर अप्लाई करने जा रहे हैं, मनवीर और उनके दोस्त अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पहली एंट्री क्या थी अभी तक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर शेयर एप्लीकेशन, अभी तक ये था। और फिर जब हम उनको अलॉट कर रहे थे तब क्या एंट्री थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही था एंट्री, यही था ना। और उसके बाद सीक्वेंस उल्टा हो जाता था, पहले ड्यू फिर रिसिप्ट, ड्यू फिर रिसिप्ट,
सर स्टार्टिंग की दो एंट्रीज में ध्यान रखिएगा, पहले रिसिप्ट फिर ड्यू, समझ पा रहे हैं? जब आपको लमसम का केस होना, बढ़िया बात क्या है, आगे कोई एंट्री नहीं आती, सिर्फ दो ही एंट्री में काम खत्म है। बस यहां पे ये फर्क ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा। मतलब आपने जो टेम्पररी खाता ओपन किया है, दैट इज द मीनिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा पैसा एक साथ, बस दो ही एंट्री आएंगी, मनवीर से पैसा आया और उनको अलॉटमेंट करनी है, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1000 × 10, 10,000। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, केस ऑफ लमसम। पेपर में लमसम आने के चांस कम रहते हैं, बट अगर आ जाए तो पता होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट ही आएगा पेपर में। क्या समझ में आई बात, करिए कॉपी। हो गया, आइए आगे बढ़े। अगेन इसका ना पहले स्टार्टिंग में देखिए, पेज नंबर 8.22 तक तो इतनी थ्योरी भर रखी है, वो धीरे धीरे कवर होती जाएंगी। इसके अंदर ना कई सारे फॉर्मेट्स भी आते हैं, आप में से कई बच्चों के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ हो, मैंने इस तरीके से बोला था, एक शेड्यूल 3 आता है कंपनीज का, बैलेंस शीट का एक पूरा फॉर्मेट आता है, वो यहीं से शुरुआत होती है। कई स्कूल्स में जैसे बुक 3 करवा रहे हैं, नो डाउट कि बुक 3 कैच हो जाएगी, बट उसको परफेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए पहले बुक 2 करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स का जो टॉपिक है, यहाँ पर भी वो बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मैं करवाऊँगा, फिर बुक 3 में भी रिपीट होगा, आता है इसके अंदर, बट वो अगेन धीरे धीरे पिकअप होगा। फिलहाल के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, मेरी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इधर फोकस करिए, लिखने की जल्दबाजी नहीं है। डायनामिक लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, बच्चों सब्सक्रिप्शन का मतलब समझते हैं हम, कंपनी कह रही है कि आओ मेरे शेयर खरीदो, सब्सक्राइब करो इसके लिए। ऑन 1 अप्रैल 2023 100,000 इक्विटी शेयर। अगर बच्चों यहाँ पे इक्विटी ना लिखा होना, तो यहाँ पे आपको इस एंट्री के अंदर इक्विटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे इक्विटी लिखा है तो यहाँ पे आपको इक्विटी लिखना चाहिए, जहाँ जहाँ इक्विटी आ रहा है वहाँ वहाँ लिखना है। अगर वहाँ पे प्रेफरेंस होता तो यहाँ पे प्रेफरेंस बन जाता, तो वो चीज़ का आपको छोटी छोटी डिटेल्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10 रुपये का क्या ये फेस वैल्यू एट पार पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, मतलब कौन सा केस हो गया बच्चों, लमसम का। वो कह रहे हैं जैसे ही आप एप्लीकेशन दोगे पूरा 10 रुपये साथ में चाहिए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स बाय 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल तक मेरे पास सारा पैसा आ गया है। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 मई 2023, तो पहली बात तो बच्चों मुझे बताओ कितनी एंट्री आएंगी, दो। अब पहली एंट्री की डेट क्या होगी, तीन ऑप्शन है हमारे पास, 1 अप्रैल, 30 अप्रैल या 15 मई। 30 अप्रैल जिस दिन पैसा आया, और मुझे बताओ सेकेंड एंट्री 15 को ऑप्शन ही नहीं बच रहा, चलो ये तो ठीक है, इजी था। तो एंट्री समझ में आई, तो एंट्री फटाफट से लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 और एंट्री लिख के दिखाइए, नथिंग मेजर। कोशिश करके प्लीज़ कॉपी मत करिएगा इधर उधर से, दो ही एंट्रीज हैं, बट दिमाग में ना वो सीक्वेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है, जितना सीक्वेंस दिमाग में बैठेगा उतना ईजी रहेगा आगे के लिए। करो ना फिर जल्दी से,
आज मैं कुछ ज़्यादा हैवी करवा भी नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी करिए, शाबाश। डिसोल्यूशन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना बैठ के। फटाफट से एंट्रीज पास करिए, दिखाइए एंट्रीज। नेक्स्ट नेक्स्ट अब बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में डेट गिवन है तो आपको डालनी है। बहुत बारी ना क्वेश्चंस के अंदर ये हो जाता है कि आप 1 2 3 4 सीक्वेंस पे चले जाते हैं तो डेट डालना भूल जाते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिखो, वरना 1 2 3 4 से चल जाएगा काम। नेक्स्ट इधर देखिएगा प्लीज, अंशिका लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक शेयर, अमाउंट इज पेबल 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब क्या है, आपने 10,000 शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए लगाए, 10,000 चिट्ठियाँ आ गई आपके पास, एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पैसा भी मिल चुका है। बास जर्नल एंट्रीज फॉर दी अबव ट्रांजेक्शन, चालू करो। इंस्टॉलमेंट का केस है बच्चों, पीछे से देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तभी याद होगा। अब यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है तो 1 2 3 4 चल जाएगा। कोशिश करके पीछे से हेल्प ना लें तो अच्छा है, अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो ले लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस ही है इसके अंदर मेन। देखते टाइम लग रहा होता है कुछ नहीं बात है, आसान सी बात तो बोली है, अब खुद करने पे आ रहे हैं तो सीक्वेंस दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करेगा स्टार्टिंग में। बाकी करो ना फिर कल, मैं कहते रहो स्टार्टिंग में दिक्कत यही आती है, करो करो।
ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया? मैत्री, अनन्या, इलस्ट्रेशन 5 हो रहे? चलो चेक करते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर बच्चों सीक्वेंस बड़ा ही आसान, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अब बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे पूरा लिखना है। यस, जो वहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है वो पूरी लिखनी पड़ेंगी। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आ रहा है सीक्वेंस? आइए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पे ना ये ध्यान रखिएगा, ऐसे करके ना गोले बनवाएंगे आपसे, ये फेस वैल्यू हो गया। नहीं नहीं क्वेश्चन के अंदर आपको ये लैंग्वेज होगी, ये वर्किंग नोट्स में काम आएगा। ये एप्लीकेशन हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, ठीक है ना। और अज्यूमिंग अगेन फुल सब्सक्राइब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब ठीक है, वही सेम। तो जिन जिनको समझ में आ गया एंट्री पास करनी शुरू करो, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। पहले तो आदित्य बताइए ज़रा, पहली दो एंट्री क्या आएंगी इधर? गलत। सिद्धार्थ पहली एंट्री, तो ध्यान रखना है आपने सीधा पहली एंट्री में ही खत्म कर दिया क्वेश्चन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होगा पहले, लिखो साथ साथ बच्चों, और फिर सेकंड एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तीन इंटू 5,000, 15,000। तो पहला एंट्री हो गया एप्लीकेशन का। नेक्स्ट मर्जिया मुझे बताइए अलॉटमेंट का क्या एंट्री होगा? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर चौथा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 15,000, 15,000, 15,000, 15,000। नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बलराज। आगे बहुत बढ़िया।
सिंपल, नथिंग न्यू। अब बच्चों इसके अंदर नया पॉइंट समझिए, दो मिनट रुकिए प्लीज, इधर सुनिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यानी कि कंपनी ने ₹10 का शेयर ₹10 में इशू किया, ₹10 की चीज ₹10। जैसे मान लीजिए पेन ₹10 का है, मैं आपको ₹10 का ही दे दूं, यही बात चल रही है। बट अगर मैं ₹10 की चीज ₹50 में दे रहा हूं तो ₹40 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं एक तरीके से, इसे बोलते हैं प्रीमियम, और अकाउंटिंग की यानी कि इस चैप्टर की भाषा में सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे आप कहते हो ना कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ, समझ पा रहे हैं ये चीज़। तो प्रीमियम मतलब ₹10 प्लस 40, मतलब इसको लिखने का तरीका पता है कैसे होगा, ₹10 की चीज़ आप 50 में दे रहे हो, इसको लिखने का तरीका होगा 10 प्लस 40, तो ये 40 क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रीमियम। इसी तरीके से अगर मैं ₹10 का पेन आपको ₹8 में दे दूं, ₹10 का पेन है मैं आपको ₹8 में दे दूं, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट, दैट इज 10 माइनस 2। पहले यहाँ तक 3 केस समझ में आए, ₹10 की चीज़ ₹10 मतलब पार, ₹10 की चीज़ ₹50 में मतलब प्रीमियम, ₹10 की चीज़ ₹8 में मतलब डिस्काउंट, पहले तीनों केस समझ में आए। आज हमने पार वाला केस ही किया है, पार पे इशू करना कंपनी को अलाउड है, ₹10 की चीज़ ₹10 में अलाउड है, ₹10 की चीज़ ₹50 में ये भी अलाउड है, और ज़्यादातर कंपनी इसी पे इशू करती है। कोई भी आईपीओ उठा के देख लो, ₹10 का शेयर होगा वो प्रीमियम पे बेच रही होती, जैसे पीछे एक आईपीओ आया था अपने काफ़ी हिट हुआ था, इस सेंस में कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रखी थी, मामा अर्थ, अगर आप नाम सुनो भाई कोई सेंस नहीं, ना सर ना पैर, 20-25 हज़ार करोड़ मांग रहे हो, 20-25 हज़ार करोड़ रुपए, समझ रहे बोल रहे थे, इतने करोड़ रुपए मांग रहे हो, अब बिजनेस के अंदर कोई दम नहीं था उनके, अब जो भी है बट सक्सेसफुल उस सेंस में नहीं था ना कि लॉन्ग टर्म में मिले, तो वैल्यूएशंस कुछ भी मांग रहे। तो प्रीमियम का मतलब आप कोई फेस वैल्यू, ₹10 की फेस वैल्यू की चीज़ एक्स्ट्रा में बेच रहे हो, ये भी अलाउड है। यहाँ पे एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो मैं आपको भी लिखवाऊंगा कि कौन से सेक्शन करके जाने हैं, जो बताता है कि प्रीमियम पे क्या करना है। ₹10 की चीज़ ₹8 यानी कि शेयर डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है, ये कहता है सेक्शन 53। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बताते हैं सेक्शन 54 के अंदर, ये सारे सीक्वेंस में आपको लिखवाऊंगा। यानी कि कोई भी शेयर पार पे इशू हो सकता है या प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आज हमने कुछ नहीं किया, इसका थ्योरी बेस ले डाउन किया है, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और कॉन्सेप्ट डेवलप करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। इस चैप्टर के लिए खास तौर से ध्यान रखना कि छुट्टी उट्टी ना हो, क्योंकि अगर छुट्टी हुई सीक्वेंस टूटेगा बीच में तो आपके चैप्टर समझने में डिफ़िकल्टी आएगी। क्लियर है यहाँ तक हम?